गोपनीय सूचना पुलिस थाना शिवपुरा पर यह मिली कि जाडन गांव के पास में एक ढाबे के पिछवाड़े में कुछ मुलजिमान हैं जो पिकअप गाड़ी में से कोई बायोडीजल या सॉल्वेंट जैसा कोई केमिकल पदार्थ उतार रहे हैं, जिसको वो आगे नकली बायोडीजल या डीजल पेट्रोल के तौर पर सेल करने का इरादा रखते हैं। शिवपुरा थाना पुलिस द्वारा दबिश दी गई, लेकिन रात्रि का वक्त होने की वजह से मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मौके पर 3 पिकअप गाड़ियां मिली। एक पिकअप गाड़ी में 1,000 लीटर की 2 प्लास्टिक की टंकियां थी, जिनमें तकरीबन 700-800 लीटर एक टंकी के अंदर केमिकल भरा हुआ था, जो एक मशीन के द्वारा दूसरे ड्रमों में भरा जा रहा था। तो मौके पर 4 ड्रम इसके भरे हुए थे, और एक पिकअप गाड़ी में इन ड्रमों को भरने के बाद बाहर सप्लाई करने के हिसाब से खड़ी हुई थी, और एक पिकअप जो गाड़ी है उसमें एक हाई पावर जनरेटर सेट लगा हुआ था, जो किसी भी बड़े टैंकर को खाली कर सकता है या इससे भर सकते हैं। ये सब आलामत मिलने पर थाना पुलिस द्वारा मनसियों को सूचित किया गया, जो मामला इसी एक्ट करने की वजह से मैंने जिला राष्ट्रीय अधिकारी महोदय को और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दी। तो वहाँ से जिला राष्ट्रीय अधिकारी विभाग से अधिकारी और IOCL के अधिकारियों की उपस्थिति में इस केमिकल का सैंपल लिए गए और सीज़र किया गया, और सीज़र करने के बाद में इस प्रकरण की जांच जो है SHO शिवपुरा को दी गई है। क्योंकि ये एक बहुत व्यस्तम हाईवे है और इस ढाबे के पीछे एक हाई टेंशन लाइन जा रही है, इन अपराधियों के द्वारा एक ज्वलनशील पदार्थ को लापरवाही से चोरी छुपे कैरी करना, उसको खाली करना, दूसरे वाहनों में परिवहन करना, जिससे कि पीछे हाई टेंशन लाइन की वजह से कोई विस्फोटक भी हो सकता था या हाईवे पर भी जनहानि हो सकती थी, इसलिए इसमें ECA एक्ट की धारा 3/7 के अलावा 285 IPC की धारा भी इसमें कायम की गई है। जब से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तब से ये एक अवैध कारोबार पनप रहा है, जिसमें ये केमिकल जो सॉल्वेंट टाइप का होता है, बेस ऑयल होता है, इसको मिला करके और सस्ते दामों पर बेचते हैं। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये बायोडीजल है, इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कृपया अपने वाहनों में डीजल और पेट्रोल है जो पेट्रोल पंपों से ही लें, क्योंकि ये नकली जो सॉल्वेंट और बेस ऑयल से वो अपने वाहन चलाएंगे तो ना केवल उनके इंजन खराब होंगे बल्कि पॉल्यूशन की समस्या भी आगे बढ़ेगी।